पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स थाना इलाके के अंबेडकर पार्क में आज बम निरोधक दस्ते ने स्पिनर डॉग के साथ मॉक ड्रिल किया। बम निरोधक दस्ते के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के मुताबिक समय समय पर इस तरह का मॉक ड्रिल सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर किया जाता है। कहीं अगर किसी तरह की कोई विस्फोटक सामग्री की सूचना मिले तो वहां पहुंचकर किस तरह स्थिति को नियंत्रित किया जाता है और कैसे बम विस्फोटक की पहचान कर उसे निष्क्रिय किया जाता है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर ईओडी सूट पहनकर संदिग्ध परिस्थितियों में रखे सामान के अंदर से विस्फोटक सामग्री की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित स्निफर डॉग के साथ विस्फोटक सामग्री की तलाश करते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार है, कांस्टेबल जी। और ये आज अम्बेडकर पार्क द्वारा हमारे सर्च अभियान चलाया गया बम डिस्पोजल द्वारा, और ये हमारे डॉग हैं उनके द्वारा। तो हम ये संदिग्ध वस्तु और संदिग्ध आदमी को देखने के लिए ये अभियान चलाया गया और चलता रहेगा। हमेशा हम चेकिंग करते रहते हैं उच्च अधिकारियों द्वारा। आज हमने डॉगों की चेकिंग, उपकरणों की चेकिंग द्वारा हमने ये पूरे ग्राउंड की चेकिंग की। उसमें संदिग्धता जो थी उसमें देखा गया और सब ठीक। कौन सी यूनिट के मेंबर हैं आप? हम बम निरोधक दस्ता इंचार्ज। कौन सी ब्रांच के हैं? बम निरोधक दस्ता उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हम। तो यहाँ पे जो डेमोंस्ट्रेशन आप करते हैं, इन हाउस डेमोंस्ट्रेशन करते हुए पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपने यहाँ पे भी किया हो कि पब्लिक में जाके कहीं क्या? हाँ, और लगातार चैलेंजेस डिफरेंट हो जाते हैं जी जी। और रेलवे स्टेशन, रोडवेज, और हमेशा हम चेकिंग करते रहते हैं वीआईपी ड्यूटी, और हमेशा ये अपने को डॉगों को भी संचालित करने के लिए या चेकिंग वेकिंग हमारा तो संदिग्ध भी मिला नहीं? कुछ नहीं, उसमें हमने चेक किया संदिग्ध, उसमें कुछ नहीं था, खाली था वो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।